फैराडेज़ लॉ के अंदर हमने क्या किया, हमने मैथमेटिकल ये किया, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट ए, तो ओपन करेंगे तो बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो एंगल याद रखना किसके किसके बीच में, बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है। और ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला बुकलेट में रजिस्टर में एंटर कर लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो कई बार लूप एक नहीं होता, कई बार ज़्यादा लूप्स होते हैं, तो इसको एन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला आपने नोट करना है। और इसमें डी फाई का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स, डी टी का मतलब टाइम है, तो डी फाई का मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। और करंट जो होगा वो क्या होता है, ई एम एफ जो भी डेवलप होगी डिवाइडेड बाई आर, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर का फॉर्मूला सबको पता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले आप मेरे को एक चीज़ का आंसर दें, तब सारे न्यूमेरिकल एक मिनट में हो जाएंगे अगर ये बात समझ में आ जाती है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, बी वेक्टर इस तरफ है, और इमेजिन करो ये कॉइल ऐसे पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये कॉइल यहाँ पड़ा हुआ है, तो बताओ कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यहाँ पर होगा। तो बी वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, 90। ये बात समझ में आ रही है, बी वेक्टर इस तरफ है और प्लेन ऑफ द कॉइल इज लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 90 बनेगा। तो फ्लक्स क्या बनेगा, बी ए कॉस 90, यानी कि 0। बात समझ में आती है। कई बार वो कहेगा कि ये बी वेक्टर है और कॉइल इसके परपेंडिकुलर पड़ी हुई है ऐसे। अब अगर ऐसे पड़ी हुई है तो इसका एरिया वेक्टर कहां पर होगा, लेफ्ट। तो बी वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, 0। सही है। तो याद रखना अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ है तो बी और एरिया में एंगल क्या है, 90। और अगर कॉइल बी के साथ 90 डिग्री पे है तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या है, 0। कोई डाउट इसमें, ये याद रहेगा यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बी वेक्टर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है बी वेक्टर, और कॉइल भी आपका बी वेक्टर के साथ इस तरफ अलाइंड है, तो बी में और एरिया में एंगल क्या लेंगे, 90। और अगर कॉइल आपका बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे है तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, 0। पहला क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मीटर में कन्वर्ट करके एरिया तो निकाल ही लोगे, एरिया। मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब ये प्लेन है बी वेक्टर के साथ नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, एरिया वेक्टर ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, 0। तो फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस 0। तो बी पता है, एरिया आप निकाल लोगे, आपको एंगल 0 पता लग गया, पहला आंसर। और फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं, वेबर, तो वेबर में कर दिया। सेकेंड पार्ट है कि ये जो लूप है, जो कॉयल है, इसने बी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाया, 30। तो बी वेक्टर के साथ अगर एंगल 30, हमने टॉर्क की भी ऐसे एप्लीकेशन की थी, तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या बनेगा, 90। अगर लूप ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, 30, तो एरिया वेक्टर तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो एरिया वेक्टर जो होता है, जैसे अगर मान लो कि लूप ऐसे पड़ी हुई है तो एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या है, 90। तो अगर मैंने इसको 30 घुमाया तो ऑब्वियसली एरिया वेक्टर ने बी के साथ एंगल क्या बना लेना है, 90 माइनस 30 यानी कि 60। आप ऐसे भी शॉर्टकट याद कर सकते हैं कि अगर ये बी वेक्टर है और ये मान लो लूप है, लूप ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, मैंने बोला लूप ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, 0। लूप तो बी के साथ है, तो एरिया वेक्टर ने क्या एंगल बनाया, 90 में से इस 0 एंगल को माइनस कर दो, आंसर 90 आ जाएगा। ऐसे करके देख लो, लूप ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, 90, तो एरिया वेक्टर ने क्या बनाया, 90 माइनस 90 यानी कि 0। तो स्टेप समझ में आ रहा है। तो अगर लूप ने जो एंगल बनाया होता है और आपको एंगल एरिया वेक्टर का निकालना होता है, तो आप 90 में से माइनस कर दें, आपके पास एरिया वेक्टर का एंगल आ जाएगा।
तो आपके सामने ही है कि लूप ने एंगल बनाया 30 डिग्री, तो एरिया वेक्टर ने क्या बनाया 60 डिग्री। तो सेकंड केस में फ्लक्स क्या बनेगा, बी ए कॉस 60। तीसरे, पैरेलल टू द फील्ड, अगर ये लूप बी वेक्टर के साथ पैरेलल है तो बोलो एरिया वेक्टर एंगल क्या बनाएगा 90, क्योंकि एरिया वेक्टर तो बाहर चला जाएगा, बी के साथ एंगल क्या बनेगा 90। तो आंसर क्या आएगा लास्ट में, कॉस 90 की वजह से जीरो। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक कि फ्लक्स कैसे निकलेगा? फिर लगाते हैं एक बार, ये लो स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर, एक मेटल की वायर है, तार है, इज ड्रैग्ड अक्रॉस अ गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड। तो पोल्स ऑफ द मैग्नेट है, मान लो एक पोल नॉर्थ है एक पोल साउथ है, ये रहा, तो एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो मैंने एक रॉड को नॉर्थ से साउथ खींच दिया, तो मैंने एक रॉड को नॉर्थ से साउथ खींच दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा दिया। आगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल्स इज नोन टू बी, तो फाई की वैल्यू मुझे पता थी, एस्टिमेट इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इसमें क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बड़ा सिंपल लॉजिक लगाते हैं। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर सपोज करो आपके पास एक रॉड है, जैसे मैंने बोला ये एक रॉड है और ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गिवन है, ये रॉड है और ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इस रॉड को आप यहां से खींच के यहां पे ले आए, ठीक है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसे मूव करवाया, आपने मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करवाया, तो वो कह रहे हैं कि इस दौरान इसका इनिशियल फ्लक्स फाई इनिशियल मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देखो आप क्वेश्चन में गिवन है, वो कह रहा है जब मैं रॉड को मूव करवा रहा था तो रास्ते में फ्लक्स कितना आ रहा है, 8×10⁻⁴ वेबर का फ्लक्स है, वेबर फ्लक्स के यूनिट्स हैं, तो इतना फ्लक्स मुझे कवर करना है बी इंटू एरिया से, तो उसको बी इंटू एरिया से मल्टीप्लाई किया, इस बी को इसने एरिया से मल्टीप्लाई किया, ये फ्लक्स है, ये इनिशियल फ्लक्स था, लेकिन जब ये रॉड यहाँ पे पहुँच गई पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक पहुँच गई मैग्नेट के, तो फ्लक्स बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि अब रॉड जो है अपनी एंड पोजीशन में पहुँच चुकी है, तो फाइनल फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, जीरो। तो इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 8×10⁻⁴, तो इनिशियल फ्लक्स है, इनिशियल फ्लक्स इज 8×10⁻⁴ टेस्ला, फाइनल क्या हो गया, जीरो, कि नॉर्थ से लेके साउथ तक आपकी जो रॉड है वो पहुंच चुकी है, और कितने समय में, 0.5 सेकेंड में। तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस हुई, ये फॉर्मूला काफी बुक्स इसमें ना मैग्नीट्यूड में काम करती हैं, मुझे पता नहीं क्यों करती हैं, जरूरत नहीं है, आप ऐसी रखो कोई बात नहीं, आपको कहे फिर कहीं गलती हो गई तो, देखो गलती इसलिए नहीं होगी, आप माइनस साइन लगाएंगे आपकी गलती कभी नहीं होगी, रीजन आपको चार ऑब्जेक्टिव दिखेंगे, अगर तो आंसर में माइनस लगा हुआ है फिर तो आप तो माइनस लगा ही रहे हो, आपका क्वेश्चन तो वैसे गलत नहीं हो सकता, और अगर सारे पॉजिटिव है तो आप भी मैग्नीट्यूड मार्क कर देना, आपका आंसर फिर भी गलत नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड कर देना, तो आप माइनस के साथ ही करें, किताब मैग्नीट्यूड लेती है लेने दो, तो आप सिंपल ऐसे करो, माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो आपके पास फाइनल फ्लक्स क्या है, जीरो, इनिशियल फ्लक्स आपको पता है माइनस, माइनस ऑटोमेटिकली क्या हो गया प्लस, क्योंकि फाइनल फ्लक्स तो जीरो ही है ना, तो जीरो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, जीरो, ये देखो माइनस जीरो माइनस 8×10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 0.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ईएमएफ में आंसर आएगा, इतने वोल्ट ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है, मतलब आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूले में डी फाई का मतलब है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, बस, अब चाहे वो आंसर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए कोई टेंशन नहीं आने दो। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, मेथड समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर बुक के अंदर हालांकि काफ़ी बुक्स में मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, कोई फर्क नहीं है, तो आप माइनस लगाते हो माइनस के साथ लगा दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन तो लेंस लॉ ने लगाया था डायरेक्शन के लिए कि ऑपोजिशन शो करता है, जो आता है लगा दो। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट, ये शीट बोर्ड का सीबीएसई का एग्जामिनेशन ऐसा आता है, तो आपको ये फ्लक्स देगा फाई, इतने वेबर का फ्लक्स है, और फ्लक्स टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है, देखो करंट तो नहीं निकलेगा, पहले निकलती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि फैराडे के लॉ ने हमें ईएमएफ निकालने को कहा था, करंट तो हम निकालते हैं ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके, तो एक काम करते हैं पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लें, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता क्या है बताओ, माइनस डी फाई बाय डी टी, इसने गलत किया, इसको माइनस
लगाना चाहिए था, उसे मैग्नीट्यूड ले लिया। पर आप कोई बात नहीं, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे आप प्लीज़ माइनस लगा देना, तो माइनस डी फाई बाई डी टी, इसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करके ये आंसर आएगा, माइनस में आएगा, कोई बात नहीं माइनस में चलने दें। और उसने क्या कहा, टाइम को एंड में क्या पुट करना है, 2 सेकंड। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास ईएमएफ क्या आएगी, 78। इसे मैग्नीट्यूड निकालना है, आप माइनस 78 वोल्ट निकाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो ईएमएफ की वैल्यू माइनस 78 वोल्ट आएगी। आपको क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है, तो आप इस ईएमएफ को रेजिस्टेंस 5 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, आंसर आएगा। उसने इसलिए मैग्नीट्यूड निकाला क्योंकि करंट नेगेटिव लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, करंट का तो मैग्नीट्यूड ही बताएंगे ना, माइनस प्लस क्या करेगा, कुछ भी नहीं। इसलिए उसने मैग्नीट्यूड लिया। पर आपको मैंने बता दिया, आप माइनस के साथ करें, ऑब्जेक्टिव में माइनस लगा होगा तो लगा दें, नहीं लगा होगा तो मैग्नीट्यूड तो आप भी कर ही सकते हैं, 15.6 आना ही ऑब्जेक्टिव है, ये मैं बता दूँ आपको, ठीक है? आपके एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव पोर्शन आएगा ये, कोई डाउट इसमें? ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक? इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकलती है, डी फाई बाई डी टी से, माइनस डी फाई बाई डी टी से डिफ्रेंशिएट करके ईएमएफ निकलेगी, टाइम की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब स्क्वायर की अगर साइड गिवन है तो स्क्वायर का एरिया तो आप निकाल ही सकते हो, एल स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर का एरिया पता लग गया, एंड रेजिस्टेंस 0.70 ओम है, ठीक है? उसकी रेजिस्टेंस भी पता लग गई आपको। इज प्लेस वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, मेरी तरह आप लोगों को भी थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इरिटेशन सी होती है, ये दिमाग ज़्यादा लगेगा। अब अपने को ये भी सोचना पड़ेगा, ईस्ट और वेस्ट का है, नॉर्थ और साउथ का है, ऐसा होता है। तो उसने क्या कहा, लूप कैसे पड़ा हुआ है, ईस्ट वेस्ट, चलो मैं बना लेता हूँ, ये लो, ये रहा आपका लूप, ये देखो ये लूप है, और ये मान लेता हूँ ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट है। तो लूप ईस्ट वेस्ट के अलोंग पड़ा हुआ है, कोई डाउट इसमें? तो अगर ईस्ट से वेस्ट यहाँ है, लूप इसके ऊपर पड़ा हुआ है, पहला स्टेप क्लियर है। इस लूप का एरिया आपको पता है क्योंकि साइड पता है, साइड पता है तो एल स्क्वायर से एरिया भी पता है, रेजिस्टेंस पता है, बी की वैल्यू पता है, कह रहे बी की डायरेक्शन कहाँ पर है, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब अगर ईस्ट वेस्ट ऐसे है तो नॉर्थ ईस्ट पता है कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ, इंडिया का मैप याद करो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बोर्ड के अंदर होगा और साउथ इधर होगा, नहीं वो तो वर्टिकल होता है ना, ऊपर नीचे तो वर्टिकल होता है, तो जो नॉर्थ ईस्ट है ऐसे होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ऐसे होगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, आप वो क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ ईस्ट है। तो मैं डायग्राम ऐसा बनाना चाहूँगा, ये ईस्ट वेस्ट की तरफ लूप है, मान लो स्क्वायर लूप है, ये आपका पीछे की तरफ डायरेक्शन क्या है, पीछे की तरफ नॉर्थ साउथ है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा, नॉर्थ ईस्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट कहाँ मिलेगा, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री मिलेगा, ऐसे मिलेगा, कोई डाउट इसमें? सही है। तो ये जो इसका एरिया वेक्टर है वो तो ये रहा, बी वेक्टर कहाँ पर है, ये रहा, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, 45। देख रहे हो, एरिया वेक्टर तो यही है, एरिया वेक्टर लूप का तो अंदर की तरफ ही है, और बी वेक्टर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, तो इनके बीच में एंगल क्या है, 45। तो बी और एरिया वेक्टर में एंगल 45 क्लियर है, तो फिर वो यही तो कह रहे हैं कि मैंने बी दे दिया, एंगल दे दिया, वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो। पहले मैग्नेटिक फील्ड था, जब मैग्नेटिक फील्ड था तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से इनिशियल फ्लक्स बोलो क्या आएगा, इसके सॉल्यूशन को छोड़ो, क्या आएगा, बी ए कॉस 45, यही आएगा। पहले एंगल 45 था बी और एरिया वेक्टर के बीच में, तो इनिशियल फ्लक्स क्या था, बी ए कॉस 45। फिर वो कहता है जी मैंने तो बी जीरो कर दिया, यार मैंने बी ही जीरो कर दिया, तो फाइनल फ्लक्स क्या आया, जीरो। जब मैंने बी जीरो कर दिया तो मैंने फील्ड ही हटा दिया, जब मैंने फील्ड ही हटा दिया तो फ्लक्स भी क्या आ गया, जीरो। सही हो गया। और ऐसा कितनी देर में हुआ, 0.70 सेकंड में। तो ईएमएफ क्या इंड्यूस होगी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस डी फाइव बाई डी टी, इसको छोड़ो जो लगाता है लगाने दो, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव में क्या पुट करेंगे, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो तुम फाइनल फ्लक्स को जीरो कर लेना, इनिशियल फ्लक्स को ये पुट कर लेना, माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, टाइम से डिवाइड करके इंड्यूस्ड
ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या करना है? आपने माइनस साइन का साथ नहीं छोड़ना, माइनस डी फाइव बाई डी टी लगाना है। बुक्स लगाती है, लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ही माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक ये लॉजिक क्या करेंगे इसमें? माइनस डी फाइव डी टी कैसे यूज करना है, क्लियर है? पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको करंट भी निकालना है, कोई बात नहीं, आपकी ईएमएफ सॉल्व करके 1 मिलीवोल्ट आएगी, इसको अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो इतने मिली एम्पियर करंट भी आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है, लॉजिक क्लियर है कि क्या लॉजिक है इसमें? तो एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस डी फाइव बाई डी टी, और डी फाइव का मतलब है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, बस। कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को एक बार देखें प्लीज। दस ओम की रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू 10 है, कितने टर्न्स हैं? 1000 टर्न्स हैं, एन पता है। एंड एट टाइम इतने वेबर, देखो अगर तो आया वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर तो होता है टेस्ला, वो तो होता है बी, और वेबर का मतलब होता है सिर्फ फ्लक्स। तो इतना फ्लक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब ये कौन सा फ्लक्स गिवन है? इनिशियल फ्लक्स गिवन है। इफ ये नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, इफ द फ्लक्स फॉल्स टू, फॉल्स टू का मतलब कौन सा फ्लक्स गिवन है? फाइनल फ्लक्स गिवन है। इनिशियल पता है, फाइनल पता है, और कितनी देर में? टाइम भी पता है, स्मॉल टी भी पता है। कह रहा है ईएमएफ जनरेट कितनी करोगे, तो ईएमएफ जनरेट ये करोगे, इस बार नंबर ऑफ टर्न्स भी है तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप ऐसा करोगे माइनस एन फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। आपको एन पता है, आपको फाइनल फ्लक्स पता है, आपको इनिशियल फ्लक्स पता है, आपको टाइम पता है, इसको छोड़ो, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला क्लियर है जिसमें वैल्यूज पुट करनी है? तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगेगा? माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पता है, इनिशियल पता है, आंसर। एक बार ईएमएफ आ गई, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करके क्या आ गया? करंट भी आ गया। फिर कह रहे चार्ज भी निकाल दो, भाई चार्ज जो निकलेगा 0.1 सेकंड में कितना गया? चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो अगर तुम करंट निकाल चुके हो, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? चार्ज भी आ गया। मेथड समझ में आ रहा है कहां से शुरू करना है? माइनस एन डी फाइव बाई डी टी से ईएमएफ आएगी, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट आएगा, टाइम से मल्टीप्लाई करके चार्ज आएगा। कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन समझते हैं कि अ कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ, देखो जब भी कॉइल का डायमीटर गिवन है उससे रेडियस तो पता लग ही जाएगा, और रेडियस पता है उसे एरिया तो पता लग ही जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो समझो तुम्हें एरिया पता लग गया। और कॉइल कैसे पड़ा हुआ है? प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने बताया आपको, अगर आपका कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के, अगर आपका जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है और कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर में, एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस तरफ। एरिया में और बी में एंगल क्या बनेगा? जीरो। तो फ्लक्स क्या आएगा? बी ए कॉस जीरो, सही है? तो एंगल जीरो है, बी वेक्टर, बी की वैल्यू पता है, इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है। इस बार वो कह रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ले लो, ई निकालो मत। जब मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू 1000, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है और ये फाइनल मैग्नेटिक, 6000 से 1000 कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो आपको क्या निकालना है? 4 सेकंड में कर दिया, आपको बताना है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कॉइल के, ये बताओ। तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज ऐसे करें कि सपोज करो आप स्टार्ट तो प्लीज यहीं से करें, माइनस डी फाइव बाय डी टी, और मैंने आपको बता दिया यहां पर क्या आएगा, फाइनल एंड इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम तो आपको पता ही है,
और नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, बी बी चेंज हो रहा है, तो मैं बी बीच में कैसे लेके आऊँ, मैं फ्लक्स को लिखूंगा बी इंटू एरिया, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है, फ्लक्स क्या लिखूंगा बी इंटू एरिया। अब मेरे को ये पता है क्या कि जो फ्लक्स है, अभी हमने डिस्कस किया था फ्लक्स में और एरिया में एंगल जीरो था क्योंकि कॉइल परपेंडिकुलर पड़ी हुई थी बी के साथ, तो थीटा हमने क्या डिसाइड किया जीरो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बी टू एरिया कॉस ऑफ जीरो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बी वन इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ जीरो। मैंने कॉइल को बिल्कुल भी मूव नहीं करवाया, मैंने बी की वैल्यू को चेंज किया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, तो ये मेरा फाइनल फ्लक्स है, ये मेरा इनिशियल फ्लक्स है। इनिशियली बी की वैल्यू क्या थी 6000, अब बी की वैल्यू कितनी है 1000। आपको ईएमएफ की वैल्यू पता है 11 वोल्ट है, आपको टाइम भी पता है कितना, कि मैंने चेक करना 4 सेकेंड है, और एरिया तो आप निकाल ही लोगे डायमीटर से पाई आर स्क्वायर, तो यहां पुट करके एरिया पुट करके बी की वैल्यू पुट करके टाइम पुट करके ईएमएफ पुट करके नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? आपको कि सर नेगेटिव नेगेटिव तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, कैसे, क्योंकि यहां पर 1000 है यहां पर 6000 है, ये टर्म छोटी है ये टर्म बड़ी है, माइनस करने पे ये टर्म माइनस आएगी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न नेगेटिव नहीं आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पॉजिटिव ही आएंगे। कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखें जरा क्या क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक क्या स्टेप क्लियर है? यहाँ तक लेक्चर सुनो, पुराना लेक्चर। वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप, तो लेंथ आपको पता है, उस वायर जो एल लेंथ लंबी है उसको हमने किस में बना दिया, सर्कल में, तो सर्कल का रेडियस कैसे आएगा, एल इज इक्वल टू 2πr, सबसे पहले वहां का रेडियस निकाल लेना, तो इस लूप का रेडियस आ जाएगा, रेडियस से एरिया आ जाएगा, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पहले आर आएगा 2πr इज इक्वल टू 88 से आर आएगा, पाई आर स्क्वायर से एरिया आएगा, एरिया आ गया। नेक्स्ट है एंड प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, भाई जब लूप मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है तो एरिया और बी में एंगल क्या बनेगा जीरो, 90 डिग्री पे लूप तो एरिया और बी में एंगल जीरो। और फ्लक्स डेंसिटी बताओ, ये फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स है कि बी है, कैसे पता लगा ये बी है, क्योंकि ये वेबर पर मीटर स्क्वायर है, अगर ये अकेला वेबर होता तो ये फ्लक्स है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है तो बी है, तो आपको ये बी भी दे रहा है, तो यानी कि अब आपको उसने बी दे दिया, आपको उसने एरिया भी दे दिया और एंगल इनके बीच में जीरो भी दे दिया, तो इनिशियल फ्लक्स क्या आएगा बी ए कॉस जीरो, तो इनिशियल फ्लक्स अगर मैं साइड पे लिख लूं तो मेरे पास इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, बी मुझे दे रहा है एरिया मैं निकाल लूंगा कॉस ऑफ जीरो, डन। कह रहे इन टाइम 0.5 सेकेंड लूप ने अपना जो एरिया है लूप स्क्वायर बन गई, लूप जो थी सर्कल थी वो एकदम पता नहीं क्या हुआ झटका सा लगा और वो स्क्वायर बन गई, स्क्वायर बन गई तो स्क्वायर की साइड पता है, स्क्वायर का नया एरिया आ गया, ये सर्कल का एरिया था अब नया एरिया भी निकाल लेना स्क्वायर का, एल स्क्वायर से नया एरिया आ गया, बी में कोई चेंज नहीं, एंगल में कोई चेंज नहीं, एरिया चेंज हो गया। देखो कुछ भी चीज चेंज हो, बी चेंज हो एरिया चेंज हो या एंगल चेंज हो तो फ्लक्स तो चेंज हो ही जाएगा, तो यहां पर बी चेंज हुआ नहीं, थीटा उसने जीरो ही रखना बाद में और शुरू में एंगल चेंज किया नहीं, एरिया चेंज कर दिया, तो नया फ्लक्स क्या आया बी पुराना एरिया नया कॉस ऑफ जीरो, बी चेंज हो रहा है, ओ आई एम सॉरी बी वन ठीक है चेंज हो रहा है, बी वन से क्या हो रहा है बी टू हो रहा है राइट, तो बी वन से बी टू ओके, एरिया भी चेंज हो रहा है और बी भी चेंज हो रहा है, इस बार एंगल चेंज नहीं हो रहा है ऐसे बोल सकते हो, सही है, तो बी वन चेंज हो रहा है बी टू चेंज हो रहा है एरिया
चेंज हो रहे हैं, ए वन भी और ए टू भी एंगल चेंज नहीं हो रहा, इनिशियल फाइनल फ्लक्स आ गया, टाइम पता है, तो इंड्यूस ईएमएफ में क्या लिखेंगे, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपको पता है, इनिशियल फ्लक्स आपको पता है, फाइनल फ्लक्स आपको पता है, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी आंसर, इसे इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है और कैसे लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है कि एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो एम ई कैलकुलेशन बड़ी करे जा रहा है, मैं बताता रहा हूँ कैसे करना है, अब मेरा मेथड लगाना सीधा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में एंगल की गेम है, एंगल क्या लेना है इनिशियल फ्लक्स में और फाइनल फ्लक्स में, ये आप एक बार चेक करें एंगल्स क्या लेने हैं। कॉइल जिसका एरिया पता है, एरिया दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, एन भी दे दिया, कैसे पड़ी हुई है ये कॉइल, परपेंडिकुलर पड़ी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे, तो एरिया वेक्टर में और बी वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, जीरो। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लूप के और बी के साथ सेम डायरेक्शन में, एंगल जीरो, तो इनिशियल फ्लक्स क्या बनेगा, बी ए कॉस जीरो। पहला रूल क्लियर है। अब वो क्या कह रहे हैं, क्वाइल को मैंने टर्न कर दिया 180 डिग्री इन टाइम 1/10 सेकेंड। ये देखो इनिशियल सिचुएशन कैसी थी और फाइनल कैसी है, तो कह रहा है कि क्वाइल कैसे पड़ी हुई है, परपेंडिकुलर, तो इनिशियल डायग्राम ये रहा, क्वाइल ऐसे पड़ी हुई है परपेंडिकुलर, तो मान लो बी ऐसे है, क्वाइल परपेंडिकुलर है, तो ये बताओ कि जो एरिया वैक्टर है, जब ऐसे पड़ी हुई है, एरिया वैक्टर और बी वैक्टर में एंगल क्या है, जीरो, राइट। किसी ने इस बी को नहीं चेंज किया, बी वैसे ही है, किसी ने कॉयल को 180 घुमा दिया, पलट दिया, पलटने से एरिया वेक्टर भी यहां से घूम के इधर आ गया, अब नया एंगल क्या हो गया एरिया और बी में, 180। पहले लूप का फ्रंट ऐसे था, अब फ्रंट घूम गया, 180 घूम गया, तो एरिया वेक्टर और बी में पहले एंगल जीरो था, अब एरिया और बी में एंगल क्या हो गया, 180। तो इनिशियल फ्लक्स क्या था, बी ए कॉस जीरो, फाइनल फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस 180, और टाइम आपको पता है, तो लगा लो फॉर्मूला। अब आपको इनिशियल फ्लक्स पता है बी ए कॉस जीरो, फाइनल फ्लक्स पता है बी ए कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है मैथ्स में, -1 -BA। तो आप यहां पे जब वैल्यू निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, माइनस एन फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम, टाइम तो 1/10 है, चलो तो माइनस एन, एन की वैल्यू भी इसमें कितनी की बने, 1000 है, फाइनल फ्लक्स कितने कितने है, माइनस बी ए, इनिशियल कितने है, बी ए, ये माइनस फाइनल फ्लक्स कितने है, माइनस बी ए, इनिशियल कितने है, बी ए, तो माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस टू बी ए माइनस टू बी ए इंटू माइनस इज 2BA, जीरो मत कर देना, ये देखो 2BA आएगा। तो स्टेप समझ में आया क्या करना है, ये फॉर्मूला तो एज इट इज है, फाइनल फ्लक्स इसमें माइनस बी ए, इनिशियल फ्लक्स इसमें बी ए है, तो फाइनल की जगह माइनस बी ए, इनिशियल की जगह बी ए, माइनस 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 टू बी ए, माइनस टू बी ए इंटू माइनस इज प्लस 2BA। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है ये लॉजिक कैसे लग रहा है, तो ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, मीन सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको करना है 10th। क्वेश्चन है, एक क्वाइल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, चलो ठीक है, एक क्वाइल ले लेते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लेते हैं, तो ये लो, ये आपका एक क्वाइल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लाइज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो ये प्लेन 90 डिग्री भी है इस फील्ड के साथ, तो बताओ एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या है, जीरो, अगर ये 90 डिग्री पे है तो एरिया वेक्टर यहां बनेगा, बी के साथ एंगल क्या बनाएगा, जीरो, तो फ्लक्स क्या होगा इनिशियल, बी ए कॉस जीरो, इनिशियल फ्लक्स आ गया। अब क्या करने को कह रहा है, अब वो कह रहा है इस केस में, अच्छा ये दे भी रहा है देखो हिंट, इस केस में
नॉर्मल टू दी कॉइल, नॉर्मल टू दी कॉइल क्या होता है, एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी कॉइल। तो एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ जीरो विद द फील्ड, वो तो मेरे को वैसे पता लग ही रहा था जब उसने मुझे बोला कि बी के साथ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर और लूप बी के साथ एंगल वैसे ही जीरो है। आगे, कॉइल रोटेट्स एट अ यूनिफॉर्म रेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इन कैपिटल टी। कॉइल ऐसे पड़ा था, इसने बिल्कुल एक रोटेशन कर ली और वापस आ गया, और ये पूरी रोटेशन कितने समय में हुई, कैपिटल टी, घूम गया, एक पूरा रोटेशन कर लिया कैपिटल टी में। आपको बताना है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ कितनी पैदा हुई जब एंगल कितना घूमा 0 से 90। ये देखो, ये आपका कॉइल इनिशियली कैसे था, ऐसे सिचुएशन थी, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के इनिशियल एंगल क्या था, जीरो था, ये जीरो था। उसने कहा कॉइल 90 डिग्री घूम गया, बी को नहीं हिलाना, बी ऐसे ही रखना लेफ्ट, 90 डिग्री ये घूम गया आपकी तरफ। 90 डिग्री घूमने का मतलब एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, आपकी तरफ, तो बोलो बी और एरिया में एंगल क्या हो गया नया, 90। तो नया फ्लक्स क्या आ गया, बी ए कॉस 90। और अगर पूरी रोटेशन कैपिटल टी टाइम में है तो 1/4 रोटेशन टी बाय 4 टाइम में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें, इनिशियल फ्लक्स बी ए कॉस 0, फाइनल फ्लक्स में अभी क्या डिस्कस किया, बी ए कॉस 90, ऐसा कितनी देर में, टी बाय 4 में। तो ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस फाइनल फ्लक्स इनिशियल फ्लक्स टी बाय 4 आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? अब वो कह रहे हैं कि फिर मैंने रोटेशन कर दी 90 से 180, मतलब अब सिचुएशन ऐसी है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और आपका कॉइल ऐसे घूम, आपका कॉइल पहले कैसा था, ऐसे था, ऐसे घूम के अभी जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी, 90 डिग्री पे चल रहा है। वो कहते हैं नाइन, इस लूप को और घुमा दिया 90, और घुमाने का मतलब है अब एरिया वेक्टर इस तरफ हो गया, यानी कि बी के साथ एंगल क्या बना लिया, 180। देखो सिचुएशन ऐसे स्टार्ट हुई थी, सिचुएशन ये थी, पहले ये सिचुएशन थी, बी और एरिया में क्या एंगल, जीरो, फिर 90 घुमा के बी और एरिया में एंगल क्या हो गया, 90, फिर 90 और घुमा के बी और एरिया में एंगल क्या हो गया, 180, फिर 90 और घुमा के बी और एरिया में एंगल क्या हो गया, 270, घुमा के 270, सही है। और जब कंप्लीट रोटेशन होगी बी और एरिया में एंगल फिर से जीरो, सही है। तो देखो यही तो हो रहा है, इनिशियली इनिशियल क्या हुआ, पहले केस में एंगल 0 से 90, तो इनिशियल फ्लक्स में एंगल 0 से 90। फिर नेक्स्ट केस में क्या हुआ, ये जो फाइनल फ्लक्स था वो इस केस का क्या बन गया, इनिशियल, क्योंकि 90 से 180 हो गया, तो 90 वाला फ्लक्स क्या बनेगा, इनिशियल, और 180 वाला क्या बन गया, फाइनल। फिर अगले केस में 180 वाला क्या बन गया, इनिशियल, और 270 वाला क्या बन गया, फाइनल। फिर अगले केस में 270 वाला क्या बन गया, इनिशियल, और 360 वाला फाइनल। तो होगी वन कंप्लीट रोटेशन, सही है यहां तक? तो ये देखो, ये आपका इनिशियल फ्लक्स है, फाइनल फ्लक्स है, टाइम पता है, तो E इज माइनस d5/dt में पुट करके आंसर। फिर अगले केस में बी ए कॉस 90 में जीरो होता है और कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो इनिशियल फ्लक्स फाइनल फ्लक्स, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम आंसर। फिर अगले केस में कॉस 180 नेगेटिव है, इनिशियल फ्लक्स कॉस 270 जीरो होता है, फाइनल फ्लक्स, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब माइनस के चक्कर में ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस आंसर, ऐसे नेक्स्ट। तो समझ में आ रहा है कि रोटेशंस कैसे चल रही हैं और आपको हर बार ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकालनी है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, कोई डाउट इसमें? इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आती है एनसीईआरटी में, बहुत, मतलब आपके बोर्ड के पेपर में भरी पड़ी होंगी ऐसी फिगर, जब आप पुराने पेपर खोलेंगे, सीख लो एक बार, एक बार सीख लोगे तो सारे सैम्पल पेपर में एक जैसे क्वेश्चन ही होते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि आपको एक ग्राफ दे रहा है, वो ग्राफ बड़े ध्यान से देखना, किसका किसका ग्राफ है, ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड बी का वर्सेस समय का, टाइम का, और क्या कह रहा है, एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सर्कुलर लूप
इतने सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस का मतलब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, इसका एरिया मीटर में कन्वर्ट करके एरिया निकाल लेना, ए पता है। रेजिस्टेंस आर पता है। वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ना समय के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, फिर कॉन्स्टेंट है, फिर घट रहा है, तो बी बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंट है, घट रहा है, बी चेंज हो रहा है। आगे, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, इसका मतलब क्या समझें, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, यानी कि एरिया वेक्टर में और बी वेक्टर में एंगल क्या लिया जाएगा, जीरो। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बी ए कॉस जीरो। ठीक, अब क्या इसमें और मैंने लूप को हिलाना नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई लूप की रोटेशन नहीं है, अगर मैं लूप को हिलाऊंगा नहीं, क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, नहीं होगी, होगी, पता है क्यों, क्योंकि इस बार बी चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में बी ए कॉस थीटा आता है, अगर तुम थीटा चेंज नहीं करोगे तो बी चेंज कर दो, तुम एरिया चेंज कर दो, इसमें बी चेंज हो रहा है, और अगर बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फैराडे के लॉ ने क्या बोला था, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, कोई डाउट इसमें, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब क्या निकालना है, इंड्यूस करंट बताना है क्या होगा, और ये बताना है कि उसका ग्राफ क्या बनेगा समय के साथ, करंट वर्सेस टाइम का, बहुत आता है पेपर में। पहले एक बात को समझ लें, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है इंड्यूस ईएमएफ का, माइनस डी फाई बाय डी टी, बस ये बात समझ में आती है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस बार कैपिटल भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इतना तो आप समझते हैं कि अगर y एक्सिस में b है, x एक्सिस में t है, और अगर मैं बोलूं स्लोप निकाल लो, तो स्लोप क्या होगी, dB by dt इसकी स्लोप होगी। प्रॉब्लम यह है कि ये स्लोप यहां पे डिफरेंट है, पॉजिटिव स्लोप है, फिर जीरो स्लोप है, स्लोप ही नहीं है, कॉन्स्टेंट है, और फिर dB by dt नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, देख लो इस बात को, पहले पॉजिटिव स्लोप है, फिर कॉन्स्टेंट है, फिर नेगेटिव स्लोप है, तो यानी कि बी समय के साथ अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में तीन करंट आएंगे, पहले इंटरवल जीरो और दो का अलग बनेगा, दो से चार का अलग बनेगा क्योंकि स्लोप चेंज हो गई, और चार से छह का अलग करंट आएगा। आपको ईएमएफ का यही फॉर्मूला आता है और कुछ आता नहीं है, तो ईएमएफ क्या जनरेट होगी, डी बाई डी टी ऑफ, एक काम करो फ्लक्स को सिंपली पुट कर दो बी ए कॉस जीरो, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉइल कैसे पड़ी हुई है, परपेंडिकुलर, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और बी वेक्टर क्या बनेगा, जीरो, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी, बी ए कॉस जीरो। ऐसी था क्योंकि कॉइल 90 डिग्री पे पड़ा हुआ था, शुरू में बात हो गई थी ऐसे, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल तो जीरो ही बनेगा, और मैं उसे छेड़ भी नहीं रहा, तो फ्लक्स तो बी ए कॉस जीरो ही है इसमें, राइट। अब ये बताओ इसके अंदर एरिया तो देखो कॉन्स्टेंट है, इसमें एरिया तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, क्या चेंज हो रहा है ग्राफ में, बी चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे यहां पर, डीबी बाय डीटी, देख रहे हो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, एरिया तो आपको पता ही है यहां से निकल ही जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया तो आ ही जाएगा। अब तीन इंटरवल में, पहले इंटरवल में बताओ डीबी बाय डीटी क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप क्या होती है, टेन थीटा, तो क्या बनेगी, दिस हाइट 1/2, तो इसकी स्लोप क्या निकलेगी, डीबी बाय डीटी की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/2 दिस बाय दिस, इसकी स्लोप क्या निकलेगी बोलो, डीबी बाय डीटी क्या निकलेगी, जीरो, स्लोप ही नहीं है, फ्लैट की तो स्लोप ही नहीं होती, लाइन अगर फ्लैट है तो स्लोप क्या है, जीरो, और इसकी स्लोप क्या निकलेगी, 1/2 लेकिन नेगेटिव साइन, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो आप चेक करें इसमें, मैं ये रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर मैं ये बता रहा हूं कि इस लाइन की जो स्लोप निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी, डी बी बाई डी टी टैन थीटा 1/2, इसकी स्लोप डी बी बाई डी टी क्या निकलेगी, जीरो निकलेगी, और इसकी स्लोप डी बी बाई डी टी माइनस 1/2 निकलेगी, 1/2, सही है यहां तक। एरिया तो आप निकाल ही लेंगे, आपको रेडियस पता है, तो एरिया तो यहां से पाई आर स्क्वायर निकल ही जाएगा, और मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया, माइनस ए डी बी बाई डी टी। तो पहला आंसर क्या आएगा, पहले आंसर में जो ईएमएफ आएगी
वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्यों? डी बी बाई डी टी तो पॉजिटिव है हाफ, तो जब तुम यहाँ हाफ पुट करोगे तो ई एम एफ उल्टा नेगेटिव आएगी, माइनस डी फाई बाई डी टी है ना, ई इज माइनस डी फाई बाई डी टी है, तो ई एम एफ तो नेगेटिव में चल रही है, डी बी बाई डी टी क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो ई एम एफ नेगेटिव आएगी। और सेकेंड केस में डी बी बाई डी टी क्या है? जीरो, तो इसको जीरो पुट करो, ई एम एफ क्या आएगी? जीरो। थर्ड केस में डी बी बाई डी टी नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस हाफ पुट करो, माइनस हाफ और माइनस प्लस, तो ई एम एफ क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये इतना जबरदस्त शॉर्टकट है, 8-10 क्वेश्चन तो एक ही बारी में ठीक कर देगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के और वो बहुत पूछते हैं ई एम एफ पॉजिटिव की नेगेटिव है। याद रखना, अगर डी बी बाई डी टी पॉजिटिव है, डी बी बाई डी टी पॉजिटिव है, तो ई एम एफ पक्का नेगेटिव है, और अगर डी बी बाई डी टी नेगेटिव है तो ई एम एफ पक्का पॉजिटिव है। कोई डाउट इसमें? ये याद रहेगा यहाँ तक। और ये तीन वैल्यूज निकाल लोगे, एरिया तो पाई आर स्क्वायर से निकल ही जाएगा, डी बी बाई डी टी आपने निकाल लिया हाफ, डी बी बाई डी टी माइनस हाफ, यहाँ पुट करके ई एम एफ की तीन वैल्यूज आ जाएंगी। पर आपको तो इसमें करंट निकालना है, कोई बात नहीं, आप अगर तीन ई एम एफ निकाल चुके हैं, तीनों को रेजिस्टेंस आर से डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। तो पहला करंट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पहली ई एम एफ क्या आई थी? नेगेटिव, क्योंकि डी बी बाई डी टी क्या था? पॉजिटिव, तो ई एम एफ नेगेटिव, तो करंट भी क्या आएगा? नेगेटिव। ई एम एफ नेगेटिव है तो ई बाई आर से करंट भी नेगेटिव, ई एम एफ नेगेटिव तो करंट भी नेगेटिव। सेकेंड केस में करंट क्या आएगा? जीरो। तीसरे में ई एम एफ क्या थी? पॉजिटिव, तो करंट भी क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तीसरा एक और शॉर्टकट याद रखो, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कॉन्स्टेंट स्लोप है, तो ई एम एफ कॉन्स्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी यहां से यहां तक, और ये भी कॉन्स्टेंट स्लोप है, तो ई एम एफ चेंज नहीं होगी, कॉन्स्टेंट आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। तो देखो इसमें यही सॉल्व किया हुआ है, पहले उसने जीरो से दो सेकेंड की ई एम एफ निकाली नेगेटिव, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करके नेगेटिव करंट आया, फिर अगले में तो उसने सीधा बोल दिया कि करंट जीरो है, अगले में उसने एक और ई एम एफ निकाल ली नेगेटिव, अगले में ई एम एफ नेगेटिव और करंट पॉजिटिव आना चाहिए था, अच्छा ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो करंट क्या आएगा? पॉजिटिव। और ग्राफ ऐसा मार्क करना है ऑब्जेक्टिव में, पहले इंटरवल में करंट नेगेटिव नीचे से स्टार्ट होगा और फिर ऊपर जाएगा, जीरो ऊपर, तो ये ना ऑब्जेक्टिव सीधा मार्क करने को आएगा। ये अंदर की बातें ऑब्जेक्टिव वाला कहते हैं, खुद सॉल्व करते रहो जो करनी है, मेरे को तो बस करेक्ट ग्राफ मार्क करके दो। तो करेक्ट ग्राफ में बहुत सारी ऑप्शंस देखते इलिमिनेट होती हैं। जब आपका डी बी बाई डी टी पॉजिटिव होगा, ई एम एफ गारंटेड नेगेटिव होगी, तो आपका क्वाड्रेंट पॉजिटिव बन ही नहीं सकता, आपका क्वाड्रेंट पक्का नेगेटिव ही बनेगा। और जब आपका डी बी बाई डी टी नीचे गिरेगा, नेगेटिव है, तो करंट आपका पॉजिटिव है, और स्ट्रेट इसलिए क्योंकि डी बी बाई डी टी स्लोप कॉन्स्टेंट है, स्लोप कॉन्स्टेंट है तो करंट भी कॉन्स्टेंट आएगा, तो ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जाएगा करंट का, ग्राफ स्ट्रेट जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ये कैसे सोचने आपने, मतलब एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको प्लस टू में ठीक नंबर लेने हैं तो आप इस लेवल पे सोच सके, आप नहीं सोच पा रहे तो आपको 90 प्लस नंबर देने वाले हैं नहीं, पक्की बात है। आप वो कहते 30 ले लो, 35 ले लो, 40 ले लो, 50 भी ले लो, 90 मत मांगना, क्योंकि तुम इतना दिमाग लगा नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो घर जाके लगा लेना। तो इसके लिए, लगाने के लिए ये शीट है इसकी, जो आज हमने सॉल्व की, इसकी अनसॉल्व शीट है, इसको पक्का ट्राई कर लेना, आपकी बोर्ड के अंदर 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है।